एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है, नीतीश जी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पहला कदम क्या होना चाहिए, किसी को चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है, पैर में चोट लगती है पहला काम डॉक्टर कहता है ऐसे करो, एक्सरे जाके कर लो। एक्सरे करने के बाद साफ पता लग जाता है कि हड्डी कहां से टूटी है, सही बात। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए। एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए। जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, भूखे इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं, इसमें आदिवासियों में अलग 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 ट्राइब्स के इतने इतने लोग हैं, दलित इतने हैं, इसमें दलितों में ये अलग अलग लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का यही मतलब है, और सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। अब बात समझिए, नीतीश जी कहां फंसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ, अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो, डरते हैं एक्सरे से। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती, बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है, नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके, हमारा गठबंधन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।